हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का, और आज हम बात करेंगे पेमेंट वॉलेट्स की। यस, पेमेंट वॉलेट्स अभी काफ़ी चर्चे में हैं, क्योंकि ये करेंसी डीमोनेटाइजेशन जब से हुआ है तब से काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं जो पेमेंट वॉलेट की काफ़ी एड्स दे रही हैं। उसमें से एक तो आपको पता ही है कौन सी ब्रांड है सो सबसे ज़्यादा एड दे रही है, वो है पेटीएम। और क्वाइट ऑब्वियस है कि उनका दबदबा मार्केट में है पेटीएम का, क्योंकि उन्होंने शुरुआत जब की थी कंपनी की तब उनका एक यूएसपी जो था, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो वॉलेट का था। और वो लोग काफ़ी डिस्काउंट्स भी देते थे कस्टमर्स को वॉलेट यूज़ करने के लिए, कैशबैक भी काफ़ी ऑफर करते थे। तो उस हिसाब से उनका कस्टमर बेस काफ़ी पहले से इस्टेब्लिश था, और ये डीमोनेटाइजेशन होने के बाद उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है पेटीएम के कस्टमर बेस में। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से उनके कस्टमर बेस में करीबन 500% ग्रोथ हुआ है पिछले 15 दिनों में। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है उनमें। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी 5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू सिर्फ 15 दिनों में ही क्रॉस कर लिया है। मतलब वो बहुत बड़ी बात है, जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, फ़िलहाल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सबसे अच्छा वॉलेट किसका आता है। ठीक है, तो पेटीएम का तो आपको पता ही है, और दूसरे जो वॉलेट्स हैं वो कौन से अवेलेबल हैं और उसमें क्या फ़ीचर्स हैं, वो सारी बात हम करेंगे अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इस वीडियो में जैसे मैंने बताया, अभी देखेंगे कि सबसे बेस्ट वॉलेट कौन सा है। तो पहले देखते हैं कि पेटीएम के फीचर्स क्या हैं। अभी पेटीएम में आप जाएंगे, बहुत सिंपल है पैसे ट्रांसफ़र करना और रिसीव करना, और इस इजीनेस की वजह से ही काफ़ी लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। आप उसमें इजीली पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और पैसे कर सकते हैं। यहाँ ऊपर जैसे ही आप होम पेज में जाएंगे, यहाँ ऊपर ये ऑप्शन दिया हुआ है ऐड मनी एंड पे मनी। तो मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। अगर रिसीव करना है तो भी बहुत सिंपल है ऑप्शन यहाँ पे। आप यहाँ पे पे में जब जाएंगे तब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ये कोड का, माफ करिए ये वाला नहीं, प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाएंगे तो ये आपका क्यूआर कोड जो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्यूआर कोड आप किसी को दिखाएंगे तो वो स्कैन करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे ये मेरे प्रोफाइल है, और होम पेज पे ये ऐड मनी और ये पे मनी से आप पैसे ट्रांसफ़र और रिसीव कर पाएंगे, बहुत सिंपल है। और दूसरा जो ऑप्शन है अभी वो है फ्री चार्ज का, सेम फीचर है फ्री चार्ज में पैसे ऐड और ट्रांसफ़र करने के। और जहाँ तक कि मैं पर्सनल यूसेज की बात करूँ तो पेटीएम में ज़्यादा फीचर्स हैं और ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसमें कैशबैक की जो ऑफ़र है वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में और काफ़ी सारे सर्विसेज में मिलती है, तो वो बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये फ़्रीचार्ज का जो ऐप है, वो फ्रीचार्ज के ऐप में यहाँ पे नीचे दिख रहा है पे का ऑप्शन, पे और सेंड, और यहाँ पे रिक्वेस्ट मनी, और यहाँ पे ऐड मनी। ये रहा ऐड मनी का ऑप्शन, और ये एक ऑप्शन और दिया हुआ है स्प्लिट बिल। मगर मतलब आप कहीं कॉमन एरिया में जाते हैं खाना खाने या फिर कोई भी बिल पेमेंट करना है, तो 4-5 दोस्त मिलके जाते हैं तो वहाँ पे आप बिल की जो अमाउंट है, लेट्स से 500 है विथ हु, तो यहाँ पे आप जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं उनका नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर वॉट, तो यहाँ पर रीज़न सिलेक्ट करके सीधा पे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि पेटीएम ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि उसमें ऑफ़र्स ज़्यादा मिलती है। तीसरा जो ऑप्शन है वो मोबीक्विक का है। मोबीक्विक भी एक अच्छा वॉलेट सिस्टम है जहाँ पे आप पैसे ट्रांसफ़र करके सामने पेमेंट कर सकते हैं। तो एक बढ़िया रीज़न यूज़ करने का ये वॉलेट का है कि इसमें भी काफ़ी आपको ऑफ़र्स मिल जाती हैं, कैशबैक बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो क्योंकि ये नए नए कंपनीज़ हैं तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए
काफ़ी कैशबैक ऑफ़र देते हैं। ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। काफ़ी लॉस भी होता है कंपनीज़ को ये कैशबैक रन करने के लिए, लेकिन इंडिया में अभी कस्टमर बेस जमाने के लिए ये सब कंपनीज़ ऑफ़र कर रही हैं कैशबैक। जब तक चल रहा है तब तक चलता रहेगा, जब बंद हो जाएगा तब देखा जाएगा। तो जब तक चल रहा है तब तक आप यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर सबसे मोस्ट रिलायबल अगर आपको कुछ दिखता है या लगता है तो वो ये तीन ऑप्शंस हैं, पेटीएम, फ्रीचार्ज और मोबीक्विक। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरे ऑप्शंस जो हैं वो जियो का है, एक जियो मनी, ऑक्सीजन वॉलेट है, एयरटेल मनी है, पेयू मनी है। ये सारे जो हैं वो मल्टी अकाउंट्स हैं, मतलब आप उसमें कोई भी अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट होना चाहिए, कोई भी अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पॉकेट्स, जैसे कि ये पॉकेट्स है वो ICICI में अगर आपका अकाउंट है तो आप उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वैसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है ये सारे वॉलेट्स में, वो कोई भी अकाउंट से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और फिर किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं ये। और अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप ये सारे सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं और इसमें से काफ़ी बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, कैशबैक का और डिस्काउंट का। ओके, तो यही था दोस्तों आज बताने के लिए, कुछ ज़्यादा नहीं था। सोचा कि आपको बता दूं कि सबसे रिलायबल और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वॉलेट सर्विसेज कौन से हैं। तो आपकी नज़र में ये तीन हैं, ये तीनों को आप यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली सब जगह ये तीनों एक्सेप्ट होते हैं। मैं पर्सनली तीनों यूज़ करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, जहाँ जिस डिस्काउंट ज़्यादा मिल गया वहीं पे वो यूज़ कर लेता हूँ। तो आप भी देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उस हिसाब से आप पैसे ऐड करिए, इंस्टेंटली ऐड हो जाते हैं 2-4 सेकेंड में, और सामने 2-4 सेकेंड में पेमेंट भी हो जाता है, तो उतना टाइम भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपके कोई सवाल हो या कोई डाउट हो तो आप मेंशन करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वो जानकारी भी मैं मेरे यहाँ से प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो डेफ़िनेटली मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँगा वीडियोस के थ्रू, ताकि आप लोगों को समझने में और जानने में थोड़ी दिक्कत कम आए। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मैं कल और वीडियोस लेके आऊँगा कुछ और नए टॉपिक्स के और सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपके लिए थोड़े हेल्पफुल होंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।